तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं। दोस्तों बहुत जो स्टूडेंट ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले यानी कि कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, वो जो कि एक से एक क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक थे, ठीक है, और ये उसी का सेकेंड पार्ट है, यानी कि 26 से लेकर पूरे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि उस वीडियो में ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पूरे 50 क्वेश्चन नहीं किए, क्योंकि स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने दो पार्ट में कर दिया है, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो और अच्छे से आप पढ़ भी सकें, ठीक है। क्वेश्चन तो जो स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो है, या आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ चैनल पे जाके उसे भी आप वीडियो देख लीजिए, जिसमें एक से लेकर 25 तक क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन रीतकाल से रिलेटेड हैं, और ये भी सारे क्वेश्चन आपको 26 से 50 तक हैं, ये भी रीतकाल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप दोनों वीडियो देख लेते हैं अच्छे से, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इन दोनों वीडियो से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? नंबर एक भाषा भूषण, बी नंबर पद्मा मरण, और सी नंबर है रस रहस्य, और डी नंबर है वाजी भूषण। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट करके हमें बता सकते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर रस रहस्य। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल को कितने भागों में बांटा है? तो जो श्रृंगार काल को कितने भाषों में बांटा है, उसमें ऑप्शन आपको मिल जाएंगे 8, 3, 15, 7। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 भागों में बांटा है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन दोस्तों मल्टीपल हैं, जिन भी यूनिवर्सिटी में मल्टीपल क्वेश्चन यानी ओमार सीट पे एग्जाम होता है उनके लिए बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको पूरी समझ आने की मैं कोशिश करता हूँ, तो आप भी अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 शतरंग के रचनाकार कौन है? नंबर एक है बेनी प्रवीण, सी बी नंबर है देव, और सी नंबर है आलम, और डी नंबर है पृथ्वी सिंह। तो 9 शतरंग के जो रचनाकार या रचयिता है वो है श्री बेनी प्रवीण जी, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से बिहारी जी की भाषा क्या है? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मिस हुआ है, यहाँ पर हमें की करना चाहिए था, ठीक है, बिहारी जी की भाषा क्या है? ऑप्शन एक है हिंदी, बी नंबर है ब्रज भाषा, सी नंबर है प्रतिष्ठित ब्रज, और डी नंबर है अवधी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिहारी जी की जो भाषा है वो प्रतिष्ठित ब्रज है, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कि स्नेह सागर का संपादन किसने किया? नंबर एक है पद्माकर, बी नंबर है लाला भगवान दीन, सी नंबर है जायसी, और डी नंबर है सेनापति। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, स्नेह सागर का संपादन किया है लाला भगवान दीन जी ने, इसलिए राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से देव ने किस नए संजारी भाव की उद्भावना की? नंबर एक छल, बी नंबर है विषाद, और सी नंबर है विवर्त, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से देव ने जो नए संजारी भाव की उद्भावना की है वो है छल, ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं वही सारे क्वेश्चन आप लोगों तक प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट हो और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रीतकाल को अंधकार काल किसने कहा? ऑप्शन एक है त्रिलोचन, बी नंबर बिहारी, सी नंबर बोधा, और डी नंबर केशवदास। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, रीतकाल को अंधकार काल कहा है त्रिलोचन ने, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्र प्रकाश किसकी कृति? नंबर एक घनानंद, बी नंबर मतिराम, सी नंबर देव, और डी नंबर है बिहारी जी। तो जो छत्र प्रकाश है वो जो रचना है या कृति है वो है देव जी की, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है रीतकाल को कलाकाल किसने कहा? नंबर एक बिहारी ने, बी नंबर बोधा ने, सी नंबर डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने, और डी नंबर है रसलीन ने। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, रीतकाल को कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से रीतकाल कवि कौन नहीं है? नंबर एक रसखान, बेनी, और सी नंबर है याकूब खान, डी नंबर है दुलाहा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से जो रीतकाल कवि नहीं है वो है श्री रसखान जी, इसलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ओके,
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में उसके साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि मैं प्रत्येक दिन बीए से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी और समाजशास्त्र राजनीतिक शास्त्र रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और शाम को 7 बजे के बाद अपलोड हो जाती हैं, और मॉर्निंग में भी क्लासेज मैं सोच रहा हूँ अपलोड करने की कोशिश करूँ। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मॉर्निंग भी मैं क्लास स्टार्ट कर दूँ, ठीक है? तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। मैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर से। क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण चरित्र किसकी रचना है? नंबर एक लाल कवि, बी नंबर सोमनाथ, सी नंबर है श्रीधर और डी नंबर है श्रुति मिश्र, ठीक है? तो श्री कृष्ण चरित की जो किसकी रचना है वो रचना है श्रुति मिश्र की, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शब्द रसायन किसकी कृति है? नंबर एक घनानंद, बी नंबर बिहारी, सी नंबर देव और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। शब्द रसायन, जो शब्द रसायन है वो देव जी की कृति है, यानी देव जी की रचना है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप ध्यान से समझिएगा और इसे रट लीजिएगा। अब मैं कोशिश, मेरी आशा यही है कि शायद क्वेश्चन आपके एग्जाम में शायद आ सकता है, ठीक है? तो नंबर एक है देव ने, बी नंबर है सोलंकी राजा रुद्र ने, सी नंबर है गोप ने, डी नंबर है ग्वाल ने। तो क्वेश्चन का राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, भूषण को भूषण की उपाधि जी है सोलंकी राजा रुद्र जी ने, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट डाउन करिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि रीतकालीन काव्य की विशेषता नहीं है, रीतकालीन काव्य की विशेषता नहीं है नंबर एक नीत रूप निरूपण, बी नंबर राष्ट्रीय भावना, सी नंबर चमत्कार प्रदर्शन, डी नंबर श्रृंगार की प्रमुखता। क्वेश्चन का मतलब ये है निम्नलिखित में से रीतकालीन काव्य की विशेषता कौन नहीं है इन ऑप्शनों में से, ठीक है? तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय भावना, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैं थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है मेरी, क्योंकि मैं थोड़ा आप लोगों को डीप में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप इसके लिए इरिटेट मत होइएगा कि सर वीडियो लंबे क्वेश्चन कम ही रहते हैं, उसमें ऑप्शन नहीं पढ़ना चाहिए। तो सर क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं उसके बाद उसका राइट आंसर बताते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को मैं जितनी बार कुछ भी रिपीट करूँगा तो वो चीज़ें आपके माइंड में भी सेट होंगी, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ दोबारा और समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ इसके लिए आप इरिटेट मत होइएगा, ठीक है? मैं आप लोगों के लिए अच्छे के लिए ही करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय क्या है? नंबर एक है प्रोसन, बी नंबर है महाकाव्य, सी नंबर है चरित्र काव्य और डी नंबर है काव्यांग निरूपक। तो लक्षण ग्रंथ का जो अभिप्राय है वो है काव्यांग निरूपक से, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ओके, जिन स्टूडेंट को लगता है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊं और उसका तुरंत आंसर बता दूं और समझाऊं ना, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो से ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन बताऊंगा उसका राइट आंसर बता दूंगा, ठीक है? मुझे कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि रसराज कृति किसकी है? नंबर एक है ठाकुर, बी नंबर बिहारी, सी नंबर मतिराम, डी नंबर है देव। तो रसराज जो कृति है वो है मतिराम जी की, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। एक दो क्वेश्चन दो बार रिपीट हो सकते हैं, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं, क्योंकि टाइप करने में कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इश्कलता के रचनाकार का नाम है या नाम था, ठीक है? इश्कलता के रचनाकार का नाम इनमें से कौन है? नंबर एक है बोधा, बी नंबर ठाकुर, सी नंबर आलम, डी नंबर देव। तो इश्कलता के रचनाकार का नाम है बोधा, ठीक है? इसके लता के रचनाकार का नाम है बोधा, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है? नंबर एक सुजान सिंह, बी नंबर है जय सिंह, सी नंबर है नर सिंह और डी नंबर है पृथ्वी सिंह। तो रसनिधि का जो वास्तविक नाम है वो है पृथ्वी सिंह, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है? जिन स्टूडेंट को लगता है क्वेश्चन रॉन्ग है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन है, ठीक है? आप लोग कमेंट करके बताइए, उसके बाद मैं इसका राइट आंसर फाइनल बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो पृथ्वी सिंह ही होगा, ठीक है? डी नंबर, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? रचनित का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह है। अगला क्वेश्चन है रीतकाल में रचित अधिकांश काव्य किस प्रकार के हैं? नंबर एक चंपू, बी नंबर कथा काव्य, सी नंबर मुक्तक और डी नंबर है प्रबंध। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मुक्तक, ठीक है? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? नंबर एक है पद्माकर, बी नंबर भूषण, सी नंबर देव और डी नंबर सेनापति।
तो कवित रत्नाकर है सेनापति की रचना, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डी नंबर। ठीक है, कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हरिणी के नय नानू ते हरिणी के नयन में कौन सा अलंकार है। थोड़ा जो पंक्ति होती हैं या दोहा होते हैं वो थोड़ा अजीब होते हैं, इसलिए पढ़ने में थोड़ा मिस हो जाता है। ऑप्शन एक है श्लेष, बी नंबर रूपक, सी नंबर है यमक प्रतीप, और डी नंबर है अतिशयोक्त। तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वो है यमक प्रतीप, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है रीतकाल को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझिएगा और इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। नंबर एक है वर्तमान काल, बी नंबर भक्तिकाल, सी नंबर है पूर्व मध्यकाल, और डी नंबर है उत्तर मध्यकाल। तो मैं आपको बता दूं रीतकाल को जो कहते हैं वो कहते हैं उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, उत्तर मध्यकाल। रीतकाल को हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। तो प्लीज़ इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिएगा तुरंत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला है ये कि रीतकाल को रीतकाल का नाम किसने दिया। तो सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ ही पा रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं। ऑप्शन ए के पंत, बी नंबर डॉक्टर नागेंद्र जी, और सी नंबर रामचंद्र शुक्ल, और डी नंबर राम कुमार वर्मा। तो रीतकाल को रीतकाल किसने कहा है ये मैं आपको बता दूं, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। तो प्लीज़ इसके भी आप नोट डाउन करिएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ। नंबर एक आदिकाल, बी नंबर रीतकाल, सी नंबर भक्तिकाल, और डी नंबर है रीतकाल फिर से। तो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए ऐसा, डबल बार रिपीट हो जाए, तो आप जो पहला होगा उसे आप करेक्ट करिएगा। ठीक है, ये मुझे गलती से टाइप होगा, यहाँ पे हो जाना चाहिए था, कुछ भी हो जाना चाहिए था, जैसे कि वर्तमान काल भी हो सकता था इसमें, या इनमें से कोई नहीं, टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, रीतकाल, लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है रीतकाल में। अगला क्वेश्चन है ललित ललाम के रचयिता कौन है, या ललित ललाम के रचनाकार कौन है। नंबर एक है मतीराम, बी नंबर देव, सी नंबर है रसलीन, और डी नंबर है भूषण। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ललित ललाम के जो रचनाकार या रचयिता हैं वो हैं मतीराम जी, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो प्लीज़ इसे भी नोट डाउन करिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आपके पूरे 26 लेकर 50 क्वेश्चन, यानी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 25 मैंने जो पहले अपलोड किए थे 25 ही है, रीतकाल के दोनों वीडियो थी। ठीक है, पार्ट वन और पार्ट टू में मैंने डिवाइड किया है, पूरे 50 क्वेश्चन हुए रीतकाल से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो थोड़ी मिस लगी होगी तो प्लीज़ आप दोबारा से क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया होगा उसको आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ उनसे भी पढ़ाई करिए, और जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है उनसे भी आप पढ़ाई करिए। ठीक है, जिससे आप लोगों को दोनों से हेल्प मिल सके। ठीक है, ये बाद में ना कहने वाला चांस रहे कि सर जो आपने बताया था उसी में से पढ़ा था और कुछ आया ही नहीं, और इसमें ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपके भरोसे थे तो मेरे भरोसे तो रहिए साथ साथ में। देखो कुछ चीज़ें वीडियो से भी समझिए, और कुछ जो आपके पास क्वेश्चन बैंक और उस सीरीज है उनसे भी समझिए। ठीक है, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बस ये सारे क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड करने थे इसलिए वीडियो बनाई। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप कोई भी मॉडल पेपर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा, मैं भी उसकी भी बनाने की कोशिश करूँगा। और आप डेली शाम को आप 7 बजे के बाद रेडी रहिए, मेरी क्लासेस मिल जाएंगी आपको। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।